देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपना अर्थन एंड रॉक फिल डैम। इससे पहले अपने डैम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बांध के बारे में पढ़ लिया। इस पर लगने वाले फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये फेलियर किस तरीके से हो सकते हैं, इनके क्या क्या विशेषता हो सकती है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ा। अब देखो विशेष रूप से दो प्रकार के डैम ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी लेना एक इंजीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है आपका अर्थन डैम और एक होता है रॉक फिल डैम, ठीक है। अर्थन डैम जो मिट्टी का बांध बनाया जाए, रॉक फिल डैम जो पहाड़ों को काट कर बाद में बांध बनाया जाए। मटेरियल का यूज करेंगे इसके अंदर, जैसे कंक्रीट वगैरह है सब कुछ का। एक होता है ग्रेविटी डैम, कौन सा होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी डैम के बारे में अच्छे से अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अर्थन डैम और रॉक फिल डैम दो इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में बीटीआर के अकॉर्डिंग इसमें जो टॉपिक्स हैं अर्थन डैम रॉक फिल डैम, तो होमोजेनियस डैम पढ़ेंगे, एक कंपोजिट डैम पढ़ेंगे। कंपोजिट डैम का मतलब हो गया कि अर्थन और रॉक फिल दोनों का यूज़ करते हैं, और होमोजेनियस का मतलब जो मटेरियल अपना यूज करने वाले हैं। जैसे मिट्टी का डैम बना रहे तो इसमें कोवल पर आपकी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब एक समान प्रकार की क्या होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि केजे जो फेलियर डैम, आप जो डैम होता है जो मिट्टी का बांध होता है वो किस किस प्रकार से फेल होता है, किस कारणों से फेल होता है, वो चीज़ें। आगे लिखा है ड्रेनेज ऑफ अर्थ डैम, जब कि मिट्टी के डैम है उसमें निकास की व्यवस्था कैसे करेंगे। और आगे नेक्स्ट लिखा रॉक फिल डैम, इसके बेसिक विशेषताएँ क्या क्या होती है, इसकी आवश्यकता अपने को क्यों होती है, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो मिट्टी के जो बांध होते हैं, ठीक है, उनकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर लिख रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। जैसे ही मिट्टी का बांध है ये वाला, इसके बारे में भी अपन पहले भी पढ़ा था बांध के अंदर कि मिट्टी के जो बांध होते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, ये तो इसका कौन सा पार्ट हो गया, अपस्ट्रीम पार्ट हो गया जहाँ पर पानी रुका हुआ है। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, इसका डाउनस्ट्रीम हो गया, कौन सा हो गया डाउन, ठीक है। ये नीचे लिखा है ड्रेनेज फिल्टर, फिल्टर का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है, यहाँ से जो पानी आएगा वो सीपेज करेगा, सीपेज करके ऊपर की तरफ जाएगा, वो ड्रेनेज फिल्टर का नाम देंगे इसको, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा है ड्राई स्टोन मशीनरी या रॉक फिल, तो यहाँ पर आपके जो पत्थर होते हैं उनका यूज करते हुए रॉक फिल बांध बनाया गया है। यहाँ पर अपन बात करें, इधर मिट्टी है और इधर आपका क्या है, रॉक फिल है, मतलब ये आपका कंपोजिट बांध हो गया, कौन सा हो गया कंपोजिट, है ना। तो ये मुख्य रूप से बांध के रूप में अपने को जानकारी लेना है। देखो मिट्टी के बांध मुख्य रूप से मृदा के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। तो सेल भराई बांध मतलब रॉक फिल डैम चट्टानों के खंडे टुकड़ों से बने होते हैं। मिट्टी तथा रॉक फिल संयुक्त या कंपोजिट डैम मिट्टी तथा चट्टानों दोनों के बने होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर बता रखी है, समझ गए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये इनका बेसिक बता रखा है नॉर्मली, कि आपका इसमें सीपेज किस प्रकार से होते हैं, सीपेज की जांच अपने को किस प्रकार से करते हैं, उत्पत्ति लगभग वर्षों से कितनी हो चुकी है, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। कंपोजिट बांध कैसे बनाते हैं तो मैं वापस बता देता हूँ, जो पूरी मिट्टी का बांध हुआ अर्थन डैम कहलाएगा, जिसको होमोजेनियस भी कह सकते हैं, ठीक है, होमोजेनियस भी कह सकते हैं। और वह बांध जो रॉक फिल का, वो चट्टानों को काट कर या पत्थरों के टुकड़े यूज करके बनाए जाते हैं, उसको रॉक फिल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वह बांध जिसमें क्या होगा, एक तरफ तो आपकी क्या होगी मिट्टी होगी, एक तरफ तो आपकी क्या होगी मिट्टी होगी, और एक तरफ आपकी क्या होगी चट्टान होगी, ठीक है। तो वह आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट बांध हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कंपोजिट, है ना, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले होमोजेनियस अर्थ डैम की बात करते हैं, इसकी बात करें होमोजेनियस अर्थ डैम। देखो ये बांध एक प्रकार का मटेरियल प्रयुक्त करके बनाया जाता है, मतलब इसमें मटेरियल यूज होगा, चित्र 5.2 में दिखाया गया, अभी देखेंगे। सामान्यतः इसमें प्रयुक्त मतलब प्रोवाइडेड मटेरियल अर्ध पारगमी सेमी इम्प्रीवियस या पारगमी मृदा होती है, जो बांध से होने वाले रिसाव को रोकती है। यदि कई बार ये बांध पारगमी मृदा जैसे रेत या ग्रेवल आदि का मिश्रण बना के बनाए जाते हैं, इस प्रकार के बांधों में रिसाव काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार के बांध प्राय वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ एक प्रकार का बांध स्थल के समीप आसानी से उपलब्ध हो जाए, वह बांध की ऊंचाई भी अपने को क्या रखनी पड़ती है, कम रखनी पड़ती है। देखो ये डायग्राम बना रखा है, तो सबसे पहले तो इस थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में देखो क्या लिखा है, ठीक है, थ्योरी में लिखा है कि आप होमोजेनियस बांध बनाओगे, इसमें आप मटेरियल का यूज़ करोगे, किसका यूज़ करोगे मटेरियल का यूज़ करोगे, और मटेरियल की स्थिति आपकी पारगमी भी हो सकती है। पारगमी का मतलब क्या, पानी का रिसाव होना, ठीक है, और क्या हो सकती है आपका अपारगमी भी हो सकता है, जिसमें पानी का रिसाव नहीं होना, ठीक है। यदि पानी का रिसाव होता है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ग्रेवल वगैरह अच्छे आदि अपन क्या करते हैं यूजेज करते हैं। इसके साथ में इस प्रकार के बांध का कहाँ यूज किया जाता है, इस प्रकार के बांध का वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर क्या होता है
इस बांध के बांध को वहाँ यूज करता है जहाँ पर क्या होता है आपको मटेरियल आसानी से मिल जाए। क्या मिल जाए आपको? मटेरियल आसानी से, जैसे मिट्टी आसानी से मिल गई अपने को, है ना। जहाँ पर अपने को नदी के पास में जो बांध बनाना है तो उसके पास में क्या मिल चुकी है? मिट्टी अच्छे से मिल चुकी है। तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं? मिट्टी का बांध आसानी से बना सकते हैं। आगे बात समझ, ठीक है, ओके। आगे देखो इसका डायग्राम समझ लो अच्छे से। ये आपका होमोजीनियस सेक्शन बनाया हुआ है, मतलब होमोजीनियस का मतलब हो गया यहाँ भी ये वाला ढाल, ये ढाल दोनों क्या समान है, ठीक है। और ये जो पानी का जो सीपेज करता है, यहाँ से पानी क्या करेगा? सीपेज करेगा, रिसाव करेगा। तो सीपेज की जो ऊपरी लाइन है उसको अपन कौन सी लाइन कहते हैं? पेराटिक लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? पेराटिक, पेराटिक लाइन, समझिए बात, ठीक है। पेराटिक क्या होता है? पेराटिक लाइन होती है जो ऊपर वाली जो लाइन होती है ना आपकी, ये वाली, इस लाइन को ऊपर लाइन। देखो क्या होगा, जैसे ये बांध है, ये आपका बांध बना दिया, ये रेड कलर में बांध हो गया, ठीक है, सॉरी वापस समझ लो, ये आपका बांध हो गया, ठीक है। अब देखो पानी अपन यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से पानी निकाले तो पानी यहाँ इधर जाएगा ही। तो अब ये ऊपरी लाइन जो बन रही है ना, इसमें ये वाली लाइन कौन सी कहलाएगी? पेराटिक, पेराटिक लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन कहलाएगी? पेराटिक, ठीक है। आगे देखो और भी स्थितियाँ, ये फिर से पेराटिक लाइन यहाँ पर बना रखी है, इसमें पेराटिक लाइन कहाँ बना रखी है? यहाँ बना रखी है, ठीक है। ये आपका इधर कौन सा पार्ट आपका अप स्ट्रीम है, इधर कौन सा पार्ट आपका डाउन स्ट्रीम है, समझिए बात को, ठीक है, वही चीज़ है। दूसरा आपका बांध होता है कंपोजिट बांध, कौन सा होता है? कंपोजिट। देखो इसमें देखो आप डायग्राम से समझो, एक तरफ तो क्या आपका रॉक फिल है, एक तरफ तो आपका क्या है? सेल भराई का मतलब होता है रॉक फिल, क्या होता है? रॉक फिल, रॉक फिल मतलब चट्टान यूज की गई है, और एक तरफ क्या है? मिट्टी यूज की गई है, यहाँ पर पत्थर वगैरह यूज किए गए। तो ये कंपोजिट मतलब दो या दो से अधिक मटेरियल का यूज करके बाद में ये आपका क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, ये कंपोजिट बांध कहलाएगा। यह बांध मिट्टी व रॉक फिल बांधों का संयुक्त रूप है, दोनों का संयुक्त रूप है। बांध की अपस्ट्रीम साइड में मिट्टी की भराई कर दी जाती है, मतलब ये वाला पार्ट आपका अपस्ट्रीम साइड है, कौन सा वाला? ये वाला, ये अपस्ट्रीम हो गया, ये कौन सा है आपका? डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की साइड में क्या मिट्टी की भराई कर दी जाती है, जो एक अपारगम में रोग इम्परवियस बेरिज का कार्य करती है, तथा डाउन स्ट्रीम में इधर सेल भराई कर दी जाती है, मतलब रोग फिल भराई कर दी जाती है, जो बांध को बाह्य बलों से प्रतिस्थापित करती है, मतलब बाह्य बलों को रोकती है। डैम के अपस्ट्रीम में मिट्टी भराई के ऊपर लहरों के प्रभाव इत्यादि के बचाव के लिए पत्थरों की पिंचिंग कर दी जाती है, मतलब मिट्टी जो बनाई जाती है ना, मिट्टी लगाई जाती है, ये वाली यहाँ जो मिट्टी लगाई गई है, यहाँ ऊपर पत्थर बिछा दिए जाते हैं। क्या बिछाए जाते हैं? पत्थर बिछाए जाते हैं। पत्थर बिछाने से क्या होगा? ठीक है, पत्थर बिछाने से पानी का रिसाव अंदर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, कभी कभी बांध के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम दोनों साइड में सेल भराई करके मध्य में मिट्टी की भराई कर दी जाती है। कई बार क्या होता है, दोनों तरफ रॉक फिल करते हैं ऐसे, जैसे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट रॉक फिल हो गया, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? रॉक फिल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या करते हैं? मिट्टी भर देते हैं इसमें, अर्थ क्या भरती है? मिट्टी, अर्थ। ये आपका अपस्ट्रीम हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? डाउनस्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये बांध मिट्टी तथा रॉक फिल बांधों जैसी ही नींवों पर, नींवों तथा कंक्रीट बांध की अपेक्षा कमज़ोर नींवों पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कमज़ोर नींव पर भी बना सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा, ये बांध मिट्टी के बांधों की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है, कंपोजिट बना रहे हैं। तो मिट्टी का जो आपका अर्थन बांध है उसकी तुलना में क्या होगा? अधिक आपका क्या होगा? मजबूती होगा। इन बांधों का निर्माण वे अन्य प्रकार के बांधों की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। मिट्टी के बांध अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं बना जा सकते, इन बांधों को अधिक क्षेत्रों वाले, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या बनाया जा सकता है? इन बांधों को शीघ्रतापूर्वक कुशल कारीगरों द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब शीघ्रतापूर्वक मतलब जो चट्टान पहले से बनी हुई है उसको काट दिया, ठीक है, उसको काट दिया, ऐसे काट दिया इधर, और इधर क्या एकदम मिट्टी की भराई कर दी तो जल्दी से बन जाता है, ठीक है। देखो इस तरफ रॉक फिल आ गया, इस तरफ क्या आ गया? आपका मिट्टी आ गई, आ गई, ठीक है। आप स्ट्रीम साइड में ढाल देंगे अपन 2.5 in 1 या 1 in 2.5 का, और इधर क्या देंगे? 1 in 3 का, मतलब एक आपका वर्टिकल है, 2 आपका 2.5 का क्या आपका हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका क्या है? वर्टिकल है, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका ढाल हो गया ऐसे, ओके। आगे बात करते हैं कैसे जो फेलियर ऑफ अर्थ डैम, जो मिट्टी के बांध होते हैं वो किस किस प्रकार से आपके क्या हो सकते हैं? फेलियर हो सकते हैं, कि किस किस प्रकार से इनको अपन फेल
कोने में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो मिट्टी के बांध असफल होते हैं तो पूरा बांध को समय में बह जाता है। यदि ये बांध क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो पूरा बांध ही क्या हो जाता है आपका, बह जाता है, क्योंकि मिट्टी का बना होता है। और यदि जानमाल की हानि को रोकने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है इसके अंदर। अतः इन बांधों के अभिकल्पन निर्माण अनुरक्षण में पूर्ण सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस खर्चा भी क्या था ज़्यादा आता है, ध्यान रखना। ठीक है, मिट्टी के बांधों के असफल के मुख्य कारण देखो, सबसे पहले ओवर टॉपिंग लिखा है, जल का शीर्ष पर से गुजरना, जैसे आपका ये बांध है, ठीक है, और ये आपका पानी आ रहा है इधर से, तो ये इसका हेड है ये वाला, तो यहाँ से यदि पानी निकल गया, यहाँ से ऊपर से, हाँ ऊपर से पानी निकल गया, ऐसे मिट्टी का कटाव होना स्टार्ट हो जाएगा और बांध आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, समझ गए। तो मिट्टी के बांध की असफलता का ये एक कारण है। मिट्टी के बांधों में जल बांध के शीर्ष पर से गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन अधिक बाढ़ के समय अपर्याप्त फ्री बोर्ड है ना, अथवा स्पिल वे की धारिता को कम होने के कारण से जल का तल बांध के शीर्ष से बढ़ जा सकता है, जिसे बांध की मिट्टी सिर से कट कर बह जाती है। इस प्रकार मिट्टी का बांध असफल हो जाता है। इसे बचने के लिए बांध पर्याप्त फ्री बोर्ड दिया जाना चाहिए। स्पिल वे की धारिता समुचित सुरक्षा गुणांक के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। अच्छी समझना, देखो क्या बता रहा है यहाँ इस खाली स्पेस में, समझाते हैं तेरे को। देखो ये बांध है, चल दूसरा बनाते हैं, ये अपना बांध है, ठीक है, ये अपन जानते हैं कौन सा स्ट्रीम है अपना, अपस्ट्रीम है, कौन सा स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम। तो देखो यहाँ से लेकर ये जो गैप बचा हुआ ना, ये वाला, इसको फ्री बोर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फ्री बोर्ड, समझ गए ना, ये वाला गैप यहाँ से लेकर और यहाँ इनके बीच गैप बचेगा, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो ये वाला गैप हो गया ना इसमें, ये क्या कहलाएगा आपका, फ्री बोर्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्री बोर्ड। और स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे जैसे अपन देखते हैं बांध के अंदर, बांध के अंदर जो पानी भरा हुआ आपका, ये वाला पानी भरा हुआ यहाँ पर है ना, तो यहाँ एक इस प्रकार से निकास दिया जाता है अंदर, बाहर की दीवार के अंदर से गेट बनाए जाते हैं, तो इधर पानी ऊपर इंक्रीज होते ही क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इस स्पिलवे के माध्यम से क्या बाहर आ जाएगा। यदि स्पिलवे अपना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपका जो फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ज़्यादा रखनी चाहिए, कि यदि ये पानी ऊपर भी चढ़ जाए तो इसके ऊपर से ओवरफ्लो नहीं करें। अरे बात समझिए ना, इसके ऊपर से यदि ओवरफ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ी हो जाएगा, मतलब ये बांध आपका फेलियर ही हो जाएगा। अरे बात समझ गई, ठीक है, तो वही दिखा रखा है, देखो ये आपका मिट्टी का बांध था और यहाँ से क्या हो गई, कट गया, अरे समझ गए ना, यहाँ से ओवरफ्लो होने से कट गया ना, तो आपका फेल हो गया। दूसरा है वेव इरोजन। वेव इरोजन का मतलब क्या होता है, जो आपका बांध होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसमें जो पानी होता है, ये पानी आपका, अब हवा चलती है, हवा चलती है तो ये पानी क्या लहर मारती है, जिसको वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, वेव। अब जैसे यूँ जाती है, मतलब यहाँ से यूँ जाता है पानी, यूँ जाता है, इसे टकराता है, फिर यूँ आता है ना, जिसको वेव अपन कहते हैं, वेव इरोजन, मतलब वेव के कारण से तरंगों का कटाव हो जाता है। कभी कभी बांध का अपस्ट्रीम वाला भाग तरंगों से बुरी तरह ग्रसित हो जाता है, जिससे बांध की मिट्टी का कटाव होने लगता है। इसे बचने के लिए बांध के अपस्ट्रीम साइड में जल संपर्क में रहता है, इस बोल्डर पिचिंग या पर्याप्त मोटाई की सीमेंट कंक्रीट का स्लेब डाल देना चाहिए। मतलब ये अपना बांध है, ठीक है, और अपन जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, वेविंग के कारण से फेल होगा, किसके कारण से, वेविंग के कारण से, तो ये वाला पार्ट क्या डैमेज हो जाता है, ये वाला पार्ट, तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करें, इसको रोकने के लिए अपन क्या करें, जो बांध बना हुआ है अपना, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करें, पत्थर लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पर, समझ गए, जिससे वेविंग को अच्छे से क्या किया जा सकता, रोका जा सकता है। आगे लिखा है गैली इरोजन, अवनाली का कटाव। देखो कभी कभी अत्यधिक वर्षा के कारण से बांध के डाउन स्ट्रीम वाली साइड का कटाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डाउन स्ट्रीम फेस पर नालियाँ सी बन जाती है। इन नालियों के बन जाने पर कटाव और तेजी से होने से डाउन स्ट्रीम का पर्याप्त सुरक्षा रखना चाहिए। देखो ये आपका बांध है और आपने स्पिल भी बनाया, क्या बनाया, स्पिल भी बनाया। अब यहाँ स्पिल भी बनाया, पानी इधर से आया, इधर से इधर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कटाव होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से अवनाली का बन जाती है, क्या बन जाती है, ठीक है, जिसके कारण फेल हो जाता है। आगे लिखा पाइपिंग फेलियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। पाइपिंग फेलियर देखो क्या होता है, पाइपिंग फेलियर होता है, ये आपका बांध है, ठीक है, ये बांध है, और यहाँ से पानी का क्या होगा, सीपेज होगा, क्या होगा पानी का, तो पहले तो छोटी 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 नालियों से भी पानी इधर निकलेगा, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मोटी नालियाँ बन जाएगी, क्या बन जाएगी, और पानी आपको इसमें से क्या हो जाएगा, जाना स्टार्ट हो जाएगा इधर से, समझिए ना, जिसको पाइपिंग फेलियर कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो इस बांध या नींव में रिसन जल की पाइप के रूप में एक निरंतर धारा बन जाती है, जिसका आकार निरंतर बढ़ता चला जाता है। इसे बांध के नींव खोखली पड़ जाती है, कुछ समय बांध नींव खोखली होने के कारण से बैठ जाता है, मतलब ये वाले देखो, यहाँ से भी ये भी पाइपिंग फेलियर कहलाएगा आपका, ये वाला भी क्या कहलाएगा, पाइपिंग फेलियर कहलाएगा, बांध आपका क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ सेट हो जाएगा, समझ गए,
ओके। बांध से जल के रिसन के कारण डाउन स्ट्रीम की मिट्टी उखड़ जाती है और इस प्रकार के बांध भी असफल हो जाते हैं। मतलब देखो इधर इधर आप देख पा रहे हो, इधर आप देख पा रहे हो ये पाइपिंग फेलियर हो रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम अपने को पता है इस तरफ पानी निकल रहा है बाहर, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। ये आपका अपस्ट्रीम है जहाँ पर पानी रुका हुआ है, इधर से सीपेज करेगा, इधर से पाइपिंग फेलियर होगा, इधर पानी बाहर निकलेगा, तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा फेलियर हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, आगे देखो नीम का फिसल जाना, स्लाइडिंग ऑफ फाउंडेशन। नीम का फिसल जाना क्या होता है? यदि बांध की नींव बहुत कमज़ोर पड़ जाती है और नींव की चट्टान में जोड़ इत्यादि है या नींव पर जल का अत्यधिक दबाव आ जाता है तो संपूर्ण बांध नींव सहित फिसल जाता है। इसको रोकने के लिए बांध की नींव की बनाई जाती है, इसके अतिरिक्त आधार के दोनों किनारों पर आप गहराई कट ऑफ दीवारें भी बनाई जाती है। देखो क्या होता है, जैसे ये आपकी चट्टान है, ऐसे आपकी चट्टान है, ठीक है, इस पर आपने बांध बनाया, मिट्टी का बांध बना दिया, ये मिट्टी का बांध बना देते हैं यहाँ पर, तो ये ग्राउंड लेवल है। कौन सा लेवल है आपका? ग्राउंड लेवल। तो आपने यहाँ पर क्या किया, मिट्टी भराई की, क्या किया यहाँ पर? मिट्टी भराई। तो आपको पता है यहाँ पर एक जॉइंट बन गया है ना, ब्लैक और ये ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर जॉइंट बन गया, ठीक है, और ऊपर आपका बांध बना दिया इसे। अब क्या होता है कि ये वाला पोर्शन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, स्लाइड हो सकता है आपका बांध, या ऐसा क्या हो सकता है आपका स्लाइड हो सकता है, फिसल सकता है, ठीक है, वही चीज़ है। स्टिप स्लोप, यदि कई बांध होते हैं जिनमें ज़्यादा स्लोप देते हैं, स्टिप मतलब खड़ा स्लोप, जैसे अपने यूँ दिया तब तो ठीक है, अब इसी बांध में स्लोप अपन दे देते हैं, इसे स्लोप ऐसे दे दिया यूँ, समझ में आ गई बात, तो ये स्टिप स्लोप हो गया, क्या हो गया, तो स्टिप स्लोप के कारण से भी आपका बांध क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। देखो प्रत्येक मिट्टी का अपना एक निश्चित एंगल, रिपोज एंगल होता है, क्या होता है, रिपोज एंगल का मतलब होता है कि जो मिट्टी है, जो आपकी मिट्टी है, ये खड़ी कितने एंगल पे हो रही है, ठीक है, तो रिपोज एंगल जो है ये अपने आप में होता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर खड़ा इतना है, जैसे 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 60 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है 60 डिग्री, ये ज़्यादा लग रहा है ना, ये आपका क्या लग रहा है, कम लग रहा है, वो चीज़ है। फिर कितना डिग्री रखना चाहिए बांध से, ये अलग मिट्टी पर डिपेंड करता है, फिर कौन सी मिट्टी आप कितनी ले रहे हो, सबके हर मिट्टी के क्या होते हैं रिपोज एंगल अपने आप में अलग अलग होते हैं, समझी बात, ठीक है, हाँ। जैसे सैंड है तो उसका 38 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, इस प्रकार से होता है, है ना, कले का जैसे और स्टिप हो सकती है ज़्यादा, तो उसका एंगल ज़्यादा हो जाएगा। भाई अपन जानते हैं सैंड को आप इस प्रकार से डेरी बनाओगे, ठीक है, अरे कले का आप डेरी बनाओगे तो कले महीन होती है, पानी के साथ में डेरी बनाओगे तो ज़्यादा स्टिप हो जाएगा, इसको पानी के साथ कम बनाओगे तो इसका कम स्टिप हो जाएगा, समझ की बात को, तो मतलब स्टिप यानी खड़ा रहना है ना, मिट्टी के सारे अपने आप ही खड़ा रहना। अपन देख पाते हैं कि जो कले मिट्टी होती है उसको अपन ऐसे पकड़ के अच्छे से लंबी बना सकते हैं, लेकिन तो आपकी बजरी आती है उसको नहीं बना, यूँ करेंगे कटा वापस फैल जाएगी, समझिए। तो मिट्टी का रुकने का एक एंगल होता है जिसको रिपोज एंगल अपन कहते हैं। यदि मिट्टी को किसी संरचना से यदि खड़े ढाल पर लगा दिया जाता है तो मिट्टी कुछ समय बाद फिसल कर गिर जाती है। यदि यूँ ज़्यादा स्टैंडेबल है, यूँ है ना, यदि ज़्यादा अनस्टैंडेबल है मतलब इस प्रकार से है, तब तो ये गिरेगी नहीं, यदि ऐसे है तो क्या हो जाएगी, जल्दी गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए यदि बांध के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड के ढाल मिट्टी के घर्षण कोण से अधिक है तो इनकी मिट्टी फिसल सकती है और बांध असफल हो सकता है, अतः बांधों के ढालों के स्टेबिलिटी ऑफ स्लो पर समुचित विचार किया जाना चाहिए। मिट्टी का विश्राम कोण जलांश पर निर्भर भी करता है, ध्यान रखना, ये जो विश्राम कोण है ये जलांश की मात्रा पर डिपेंड करेगा। जैसे एक तो कले मिट्टी होती है, महीन मिट्टी होती है, यदि इसको सूखा अपन स्टैंडेबल कराए तो ये ज़्यादा फैल जाएगी, पानी के साथ स्टैंडेबल कराएंगे तो ऐसे सीधी खड़ी हो जाएगी, समझ गए, क्योंकि अब क्या हो गया उसमें जोड़ आ गया, क्या गया, ठीक है, ये चीज़ है। आगे लिखा है अनहेवली सेटलमेंट, जिसको असमान बैठाव कहते हैं। देखो ये असमान बैठाव है, यहाँ से फोर्स जो भी नॉर्मल लग रहा है इसके कारण से आता है। बांध एक भारी संरचना होती है, समझ गए, जिसके कारण से खुद के वजन के कारण से नीचे की तरफ भी बैठ जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, असमान बैठाव कहते हैं। अतः निर्माण के बाद इसमें बैठाव सेटलमेंट होना स्वाभाविक है। यदि बांध की नींव में असमान बैठाव होता है तो इसमें बांध में दरारें पड़ जाती हैं, कुछ समय बांध असफल हो जाता है, अनुरक्षण में बहुत होता है। इस प्रकार से डिजाइन या बांध सब तत्वों के प्रति सुरक्षित होना चाहिए, ये अपने को मेंटेनेंस के बारे में बता रहे हैं, बात समझ गए। मतलब खुद का वजन क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है इस बांध का, जिसके कारण से नीचे की तरफ क्या हो जाता है आपका, बैठ सकता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अनियमित सेटलमेंट कहते हैं। ये आपका फेलियर ऑफ डैम क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप देखो फेलियर ऑफ डैम को यदि कंप्लीट कराना है तो पानी का जो निकास है उस पर अपने को ध्यान देना होगा। पानी का जो निकास है यदि उसको अपने सही तरीके से बनाया है तो जो भी रिसने वाला पानी है, जो भी अधिक वाला पानी है, अपन ने देखा भाई ऊपर से पानी जा रहा है, बांध के ऊपर से पानी जा रहा है, इस प्रकार से ऊपर से पानी जा रहा है तो उसको रोकना है, तो इसके लिए ड्रेन सिस्टम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ड्रेन सिस्टम। तो वही है, देखो
अनेक प्रकार के सीपेज का नियंत्रण करने के साथ में बांधों में नींव में सदैव कुल जल रिश्ता रहता है जो कि रिश्ते का होता है उसे बांध के डाउन स्ट्रीम भाग में उपयोग निकाला जाना चाहिए क्योंकि दुष्प्रभाव नहीं हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये जो बांध बना हुआ है इस प्रकार से, तो ये सीपेज कर रहा है, इसको इस प्रकार से इधर से निकालो कि किसी प्रकार का बांध आपका फेलियर नहीं हो। ये आपका डाउन स्ट्रीम पार्ट होता है, तो डाउन स्ट्रीम पार्ट की तरफ निकाल दो इस पानी को अच्छे से, या इधर से निकाल दो, मतलब अंदर की तरफ आप निकास बना दो तो पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम का जो निकास है वो यदि अच्छा है तो बांध आपका फेलियर नहीं होगा। इसकी आपकी 5 कंडीशन है। सबसे पहले लिखा है क्षैतिज निष्कासित ब्लैंकेट है ना, तो देखो हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट कहेंगे इसको। इसको आप यहाँ पर देखो, आप देखो सबसे पहले अपन समान ऊंचाई वाली मिट्टी के बांधों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है? समान ऊंचाई वाली मिट्टी के बांध होती है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ब्लैंकेट डाउन स्ट्रीम पर से बांध की ऊंचाई से लगभग 3 गुना दूरी तक या बांध की आधार चौड़ाई की 1/3 तक प्रसारित, यदि भी एक अंतर नींव डाउन स्ट्रीम के ऊपरी हिस्से पर दिया जाता है तो यह ऊपर के रिसाव बल उपस्थित करता है। देखो इधर देखो, ये वाला जो पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट, ये आपका ये बांध बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? अपस्ट्रीम पार्ट है। कौन सा है? अपस्ट्रीम। अब यहाँ से अपन को पता है कि ये आपका इधर से पानी रिसाव रहा था, यहाँ रिसाव था, यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन बना दिया, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रेन ब्लैंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ से तो पानी आएगा, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ गए? वो चीज़ें। आगे देखो, ब्लैंकेट प्रीवियस पदार्थ युक्त होना चाहिए है ना, यह जल को शीघ्रता से निकाल सके ऐसा होना चाहिए है ना। ब्लैंकेट को प्राय छनित्र की डिजाइन के सभी मापदंडों को पूरा करना चाहिए, मतलब फिल्ट्रेशन होना चाहिए, नींव के मृदा कणों के प्रवेशन जिसको माइग्रेशन को रोका जा सके, मतलब छोटे छोटे मिट्टी कणों को रोका जा सके, साथ ही पाइपिंग को भी रोका जा सके। ब्लैंकेट की मोटाई छनित्री फिल्टर जो है परतों लेयर की व नाली की परत की स्वयं मोटाई बराबर होनी चाहिए। ब्लैंकेट पर समुचित रूप से संकुचित होने चाहिए ताकि कोई कमी ना रहे। यदि क्षैतिज ब्लैंकेट की मुख्य कमी यह है कि यदि बांध सामग्री में कोई स्तरण है ऊर्ध्वाधर पारगम्य से अधिक क्षैतिज पारगम्य से प्रभावशाली नहीं होता है। देखो अच्छे से समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, कि ये वाला जो पार्ट आपने बनाया है इसकी विशेषता बता रहा है। ये आपका हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज ब्लैंकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसको हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज सिस्टम भी अपने कहते हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नीचे की तरफ मोटे पार्टिकल्स, ऊपर की तरफ छोटे पार्टिकल्स, तो यहाँ से जो आने वाला जो पानी है, ठीक है, वो एकदम धीरे धीरे रिसाव करना चाहिए इस प्रकार से। समझ गए? इसकी विशेषताओं के बारे में अपन क्या पढ़ रहे हैं, बार बार यहाँ पर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा रॉक टॉय। देखो रॉक टॉय आपका क्या होता है? रॉक टॉय फिल्ट्रेशन की जगह फिल्ट्रेशन तो यहाँ बना दिया, रॉक टॉय आपने कहाँ बना दिया? यहाँ बना दिया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही कहा है कि डाउन स्ट्रीम पर रॉक टॉय दिए जाते हैं, डाउन बांध का एक भाग बन जाता है जिनमें से 15 से 20 मीटर आकार के मोटे, यहाँ पर 15 से 20 सेंटीमीटर आकार के क्या दिए जाते हैं? पत्थर दिए जाते हैं। और रॉक टॉय अपस्ट्रीम भाग वर्टिकली उन्नत हो सकता है, मतलब इस प्रकार से ये अपस्ट्रीम वाला भाग है ना, ये वाला, तो इसके उन्नत हो सकता है, जैसा ये है जैसा भी ये रहेगा, समझिए ना, ठीक है। लेकिन डाउन स्ट्रीम डाल हमेशा इंक्लाइंड ही रहता है। पाइपिंग को रोकने के लिए आपका रॉक टॉय या सोइल मास के मध्य क्रमित छनिद्र दिए जाते हैं, मतलब अगर फिल्ट्रेशन की इसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रोवाइडेड किया जाएगा। आगे लिखा है निम्न में से सामान्य ऊंचाई युक्त मिट्टी के बांधों के लिए रॉक टॉय उपयुक्त होते हैं, और सामान्य से रॉक टॉय की ऊंचाई कितनी जैसे H/3 या H/4 के मध्य रखी जाती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो आपकी टोटल हाइट है, तो यहाँ बेस से आपकी जो हाइट होगी इसकी, वो जो हाइट है ये वाली, ये जो हाइट आपकी वो क्या होगी? H/3 या H/4, मतलब हो गया ये आपका टोटल क्या कहलाएगा? H कहलाएगा। समझ गए ये चीज़ें? देखो आगे देखो, नेक्स्ट लिखा है चिमनी ड्रेन। क्या लिखा है? चिमनी ड्रेन। देखो क्या है मतलब, भी यहाँ एक अपन ने वर्टिकल क्या बना दी, मटेरियल की प्लेट बना दी, यहाँ पर भी बना दी। अब जो ड्रेन आएगा इस प्रकार से, तो वो यूँ के यूँ चला जाएगा, समझ गए ना, या फिर यूँ के यूँ चला जाएगा, लेकिन फेलियर नहीं होगा। देखो इधर क्या लिखा है, वर्टिकल या लगभग वर्टिकल नाली होती है जो बांध के अंदर की ओर स्थित रहती है, ताकि यह रिसाव क्षेत्र में बांध की सभी परतों को रोक सके, जिससे कि बांध के डाउन स्ट्रीम भाग पर रिसाव जल के इमरजेंस को रोका जा सके, ताकि यह तटबंध में रास्ता होने पर भी यह प्रकार की चिमनी निष्कर्षण डाउन स्ट्रीम डाल की स्थायित्व में वृद्धि करती है, साथ ही यह निर्माण के दौरान रंध्र जल को कम करने की सहायता करती है। मतलब जो पानी आता है उसको धीरे धीरे भी यहाँ से बाहर निकाल सकता है, ऊपर से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। कुल मिला के ड्रेन दे रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, स्ट्रिप ड्रेन। स्ट्रिप ड्रेन कौन सा होता है? देखो ये वाला पार्ट कौन सा होता है?
ये वाला पार्ट, इसमें देखो क्या होता है, इसमें यहाँ पर फिल्टर लगा दिया और यहाँ से पानी यूँ आके इधर जाएगा, आराम से ट्रांसवर्स ड्रेन करेगा। देखो यदि प्रीवियस मेटल की अल्पता मतलब कम हो तो क्षैतिज निष्कासित ब्लैंकेट की बजाय अपन कौन सा यूज करते हैं, स्ट्रिप ड्रेन यूज करते हैं। स्ट्रिप ड्रेन को दर्शाया गया है बांध के अंदर की ओर है, सापेक्ष रूप से संकीर्ण ड्रेन बांध की अक्ष के समांतर होता है। स्ट्रिप ड्रेन से बांध डाउन स्ट्रीम खुर या टॉय पर स्थित अन्य समांतर ड्रेन तक जल को ले जाने की कई अनुप्रस्थ ड्रेनें दी जाती हैं। मतलब आपका ये जो दिया जाता है सिस्टम, ठीक है, यहाँ से छोटी छोटी नालियाँ दे दी जाती हैं जिससे क्या होता है पानी यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, आगे लिखा है अपस्ट्रीम भाग का निष्कासन कैसे करेंगे। अपस्ट्रीम भाग का निष्कासन, देखो अपस्ट्रीम भाग का निष्कासन का मतलब हो गया कि आपका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपस्ट्रीम कहलाता है, इस भाग का निष्कासन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह सोइल मास का अपस्ट्रीम भाग जल निष्कासन फ्री ड्रेनेज नहीं है, तब अपस्ट्रीम भाग की ड्रेनेज की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल ड्रेन ब्लैंकेट, ठीक है, इसके अपस्ट्रीम टॉय या हिल से डाउन स्ट्रीम दिशा से प्रसारित करते हुए होना चाहिए। अकस्मात ड्रा डाउन के दौरान रंध्र दाब को कम करने के लिए यह काफ़ी प्रभावशाली है। ये कह रहा है कि भाई आपका जो पानी है ना इधर वाला, ये इधर वाला जो पानी है वो इधर कैसे गुजारा जाए, तो इसके बारे में अपनी जानकारी ले ली, वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका इसमें जो लास्ट है वो है रॉकफिल डैम। कौन सा डैम आपका? रॉकफिल डैम जो आपका होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चट्टानों को रॉकफिल डैम आपके इवेंट तटीय बांध एक प्रकार का होता है, जिसमें चट्टानों को है ना, चट्टानों को टुकड़े या मुख्य निर्माण सामग्री होती है मिट्टी के बांधों से भिन्न होता है। क्या होता है? अलग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सोइल का मुख्य प्रयोग किया जाता है और रॉकफिल डैम मर्दा बांधों की तरह खंडित सामग्री से निर्मित होता है, जिसमें प्रत्येक कण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। रॉकफिल बांधों का स्थायित्व मुख्यतः कणों के घर्षण पारस्परिक क्रिया के द्वारा विकसित होता है। सेल भराई बांधों में प्रयुक्त चट्टानों के टुकड़ों को चट्टानों के खदानों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि भी कई बार प्राकृतिक पदार्थ जैसे बड़े छोटे टुकड़े ग्रेवल आदि वगैरह होते हैं, मतलब क्या, या तो चट्टानों को काट कर बना दो, ठीक है, या फिर छोटे मोटे जो पत्थर होते हैं उनकी सहायता से भी अपनी क्या कर सकते बांध को बना सकते हैं, या आपका रॉकफिल डैम होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है इसमें कि रॉकफिल का आकार 3 मीटर के बड़े टुकड़े से भाटे या स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े या अधिक भी हो सकता है। ये क्या लगा रखे अपने, स्टोन लगा रखे हैं। खंडों के कई चट्टानें भी कहा जा सकता है, कुछ चट्टानें भी हो सकती है आपकी। आगे लिखा है इसमें क्या क्या चीज़ें होगी। रॉकफिल डैम में 2 मुख्य संरचना होगी, एक तो होगा आपका तटबंध, क्या होगा, जिसको एम्बैंकमेंट कहते हैं, एक आपका वो अभेद्य अवयव जिसको इम्प्रीवियस एलिमेंट कहते हैं। इनको देखो, इनके बारे में जानकारी लेते हैं क्या है चीज़, ठीक है। तटबंध टेक पर स्थायित्व प्रदान करता है, जबकि अभेद्य अवयव बांध से होने वाले रिसाव को रोकता है। वही चीज़ है, ये आपका बांध है और यहाँ जो अपने फिल्ट्रेशन डाल रहे हैं वो तो आपका इम्प्रीवियस एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पानी को रिसाव को रोकता है ना, फिल्ट्रेशन डालते हैं ना वो चीज़। और यहाँ पर तटबंध का मतलब हो गया ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, तटबंध हो गया, ठीक है, वही चीज़ है। आगे देखो, रॉकफिल बांध के लिए आवश्यक नींव मिट्टी के बांध की तुलना में अधिक दृढ़ होती है, लेकिन गुरुत्व बांध की नींव से कम दृढ़ होती है। मतलब अपन जानते हैं रॉकफिल जो बांध होता है आपका, रॉकफिल जो बांध होता है वो अर्थन डैम की इसकी तुलना में इसकी नींव अच्छी होती है, लेकिन ग्रेविटी डैम की तुलना में इसकी नींव क्या होती है, कमज़ोर होती है। अगले की तुलना में कम क्यों होती है? ग्रेविटी डैम क्या होता है, पूरा कंस्ट्रक्शन करके बनाया जाता है, जैसे मटेरियल कंक्रीट है इनका यूज़ करके बनाया जाता है। अच्छे बांध होते हैं वो सारे ग्रेविटी डैम होते हैं, कौन से होते हैं समझ गए ना, उसमें पहाड़ों को कटाई करके नहीं बनाते हैं, ठीक ना, वहाँ पर एक्चुअली कंक्रीट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, देखो ये ग्रेवल रेल चिकन है ना, ये सारे यूज़ करते हैं, ठीक है, और शेयर स्ट्रेन द्वारा प्रभावित हो सकता है। देखो इसकी विशेषता देख लो, रॉकफिल डैम की फीचर्स क्या क्या हैं। ये बांध मोटी रेत की नींवों के लिए बहुत उपयुक्त हैं, दक्षिणी भारत में ऐसी नींवें अधिक उपलब्ध रहती हैं। यदि पत्थर काफ़ी मात्रा में पास में मिल जाए तो बांध अन्य बांधों की अपेक्षा सस्ते भी पड़ जाते हैं, समझ गए ना, जैसे जहाँ पर बांध बना रहे उसके आसपास पत्थर मिल गए अपने को तो अच्छे बांध पड़ जाते हैं। इन बांधों को बनाने में बहुत कम समय लगता है, अधिक कुशल कारीगरों की आवश्यकता भी अपने को नहीं होती है। और आगे लिखा, इन बांधों का जलाव भेद बनाने के लिए अपस्ट्रीम वाली साइड पर एक पतली सीमेंट कंक्रीट की तह लगा दी जाती है। मतलब आपका जो ये वाला अपस्ट्रीम पार्ट है और यहाँ पर क्या लगा देते हैं अपन, सीमेंट की परत ये वाली, पानी रिसन रोकने के लिए रिसन रोक दीवार भी बनाई जा सकती है, कि इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, ये जो बांध है इसमें यदि अपन को रिसाव रोकना है तो यहाँ पर दीवार बना देंगे,
समझिए बात को, वही चीज़ है। ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अर्थन डैम, रॉक फिल डैम, और आगे बात ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्पिलवे और एक रिवर ट्रेन, है ना। ये दो चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं, लगभग 15-20 मिनट के चैप्टर हैं। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो, होमोजेनियस डैम, कंपोजिट डैम पढ़ लिया, फेलियर पढ़ लिया, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया, रॉक फिल डैम की विशेषताएं भी अपन ने देख ली है।